ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। हमीरपुर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब शराब के एक ठेके के बगल में खुली कैंटीन की चखने की दुकान में बैठे दुकानदार को एक युवक ने बहस होने पर दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की खबर फैलते ही मौके पर लोगों का हुजूम लग गया और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। हमीरपुर जनपद के थाना कस्बा राठ के बाराखंबा के सेना रोड की देसी शराब के ठेका नंबर 11 का, जहां पर खुली चकना कैंटीन की दुकान में से इरफान नाम का दुकानदार बैठा था, तभी देवेंद्र नाम का युवक आया और उसकी किसी बात पर इरफान से कहा सुनी हो गई, जिस पर देवेंद्र ने इरफान को गोली मार दी जिससे वह घायल हो गया, जिसके बाद देवेंद्र और पड़ोसी दुकानदार जयहिंद इरफान को मोटरसाइकिल से सरकारी अस्पताल इलाज के लिए ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की खबर लगते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसने मौके से देवेंद्र को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में जुट गई है। वहीं आरोपी युवक देवेंद्र से जब बात की गई तो उसने बताया कि उसको दुकानदार इरफान से रुपए लेने थे और उसने जब इरफान से रुपए मांगे तो उसने खुद को गोली मार ली, जिस पर वो लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस मामले में छानबीन की बात करते हुए कार्रवाई की बात कह रही है और आरोपी युवक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल घटना के पीछे वजह जो भी रही हो, लेकिन दिन दहाड़े हुए इस मर्डर से पूरे ही इलाके में सनसनी फैल गई है। ये मूसा नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले इरफान साहब निजामुद्दीन हैं। उनकी उम्र करीब 32 से 35 साल की है। आज दिन में करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास उनकी एक पहले से जान पहचान रखने वाले युवक देवेंद्र से कुछ खास नहीं हो गई। दुकान के अंदर ही बताते हैं कि इनको फायर आर्म इंजरी आई, इसके बाद घायल अवस्था में सीसी राठ लाया गया था, जहाँ पर ही इरफान जो है मृत हो गए। इसमें हम लोग पूरी घटनास्थल की आप लोग भी देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। मौके पर हम लोग सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ पे लगे हैं उसके भी छानबीन की जा रही है। अभियुक्त जो हमारे उसमें है कस्टडी में, उससे पूछताछ करेंगे क्या इन लोगों में आपस में विवाद है और किस लिए आपस में इस तरह से घटना हुई है, उन सभी पहलुओं पर हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं और जो भी इनके परिजन तहरीर देंगे पुलिस को, उसके आधार पर अभियुक्त पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, अभियुक्त पुलिस में और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमीरपुर से टाइम्स 18 न्यूज के लिए योगेश साहू की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर।